कहते हैं जिंदगी एक सफर है और हम इसके मुसाफिर। इस सफर में हम बहुत चीजें खोते हैं, बहुत चीजें पाते हैं। तो आज के इस सफर में मैं आपको केदारनाथ के सफर पे लेके जाने वाला हूँ। तो हमारा सफर शुरू होता है गुप्त काशी से। हमारा सफर तो हमारे घर से ही शुरू हो गया था, फिर इसके बाद हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के बाद हमें लेट हो गया था, फिर हम गुप्त काशी आ गए और गुप्त काशी में ही हमें रात हो गया, फिर हमें वहीं पे स्टे लेना पड़ा। तो आज का ब्लॉग मैं गुप्त काशी से शुरू करने वाला हूँ केदारनाथ का। तो इस डिवाइन जर्नी को शुरू करते हैं हर हर महादेव के साथ। तो गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो 9 बज रहे हैं। अभी हम लोग हैं गुप्त काशी में और अभी हम लोग गुप्त काशी से सोनप्रयाग चलेंगे कल। तो गुप्त काशी से सोनप्रयाग 33 से 34 किलोमीटर है, तो जो कि सोनप्रयाग जाने के बाद हम लोग गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड से आगे का यात्रा स्टार्ट करेंगे, ट्रैक वगैरह करेंगे। तो मैं आपसे कल सोनप्रयाग में मिलता हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा सा रात हो गया था तो इसलिए हम लोग गुप्त काशी में ही स्टे अपना ले लिए। बाकी आप चाहो तो सोनप्रयाग में रुक सकते हो या फिर डायरेक्ट गौरीकुंड के लिए भी जा सकते हो। तो गाइस ये रहा नीलकमल टूरिस्ट लॉज, इसी में हम लोग ठहरे हुए हैं और यहाँ पे हमें 3 बेड का मिला है बेडरूम 700 रुपीज का। तो यहाँ से ये वाला रोड जाता है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के लिए, दोनों के लिए जाता है, जहाँ से आप अपना केदारनाथ का यात्रा स्टार्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग गुप्त काशी में रुके हैं और गुप्त काशी कुछ ऐसा दिखता है, तो आप लोग थोड़ा सा नॉइस को इग्नोर करना। तो यहाँ पे और आपसे हम कल मिलते हैं यात्रा पे। ओके, तो चलो चलते हैं अंदर। तो मैंने आपको प्राइस भी बता दिया कि क्या होने वाला है यहाँ पे होटल्स वगैरह का प्राइस। तो नीचे नॉर्मली आपका कम ही पड़ेगा बजट, जब आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे बढ़ता जाता है दाम, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आपका बढ़ता जाता है बजट। जो ये आप सुंदर सा टाउन देख रहे हो ये है सोनप्रयाग। तो हम सोनप्रयाग आ चुके हैं, अभी हमें जाना है गौरीकुंड, क्योंकि हम अपना ट्रैक गौरीकुंड से ही स्टार्ट करने वाले हैं बाबा केदारनाथ का। तो अभी हम लोग जाएंगे गौरीकुंड फेयर टैक्सी से। तो अभी मैं जा रहा हूँ टैक्सी पकड़ने और टैक्सी से हम चले आएंगे गौरीकुंड, फिर वहाँ से नाश्ता करके अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो गाइज ये है गौरीकुंड और यहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला रोड जाता है सीधा ऊपर मंदिर तक और यहाँ से 16 किलोमीटर है, 16 से मतलब ऐसा माना जाता है 16 किलोमीटर है, वैसे तो 20 किलोमीटर है। तो चलो चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है भैया? 10:30। चलो, टाइम हो रहा है 10:30। तो पिछली बार मैंने आपको गौरीकुंड नहीं दिखाया था, तो यही वाला रोड जाता है बाबा केदारनाथ और ये है गौरीकुंड का मार्केट और थोड़ा सा आगे ही है घोड़ा पड़ाव, तो वहाँ से घोड़ा स्टार्ट होता है। भैया आगे ही घोड़ा पड़ाव है ना, तो घोड़ा पड़ाव है तो देखते हैं। तो गाइस ये है घोड़ा पड़ाव, ठीक है, और वहाँ से हम लोग को जाना है वहाँ से, और ये है वाटरफॉल छोटा सा। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है हर हर महादेव के साथ। यार रास्ते में इतना सारा नेचर ब्यूटी देखने को मिलता है कि एकदम मन ही नहीं भरता उसको देखते देखते, और रास्ता भी लंबा होता है। तो हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि हम ऑलरेडी से लेट हो चुके थे अपना ट्रैक स्टार्ट करने में। तो जल्दी से चलते हैं, अभी हम थोड़ा सा आनंद लेंगे नेचर का और चलते हैं जल्दी से यहाँ से। तो गाइज ये रास्ते में आपको वाटरफॉल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अभी देखो मैं हूँ अभी नियर अबाउट, हम लोग 1.5 किलोमीटर आए हैं, तभी हालत ख़राब हो चुका है और मेरा सेकेंड टाइम है, और फिर भी मैं पूरा मन बना गया हूँ कि इस बार भी ट्रैक ही करके जाना है। तो देखो दिल बैठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता, लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी। तो अभी हम लोग 2 किलोमीटर आए हैं मात्र और हालत आप देख सकते हो। और बहुत मजा आ रहा है, राजीव जी क्या हाल है?
चुका है। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है ट्रैकिंग करने में। बारिशों की चादरों ने आसमान में उड़ ले आजा चल, मंजिलों की छोड़ के भरवा रास्तों को ढूंढे आजा चल। सारा ये जहान अपना, पूरा आसमान अपना, ईंटे बादलों की होंगी, नीला हो मकान अपना। रुको रुको, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं इतना ट्रैवलिंग करने के लिए पैसे कहाँ से लाता हूँ, कैसे अफोर्ड कर पाता हूँ। तो मैं इतना ट्रैवलिंग करने के लिए पैसे कमाने के लिए मैं एक एप्लीकेशन का यूज करता हूँ जहाँ से मैं बहुत सारा पैसा अर्न कर पाता हूँ। तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये एप्लीकेशन, और यहाँ से मैं अभी के टाइम में 1,00,000 रुपये से भी ज़्यादा का अर्निंग कर रखा हूँ, और आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा विड्रॉ प्रूफ दिख रहा होगा। तो इस एप्लीकेशन का मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी से बना रखा हूँ कि कैसे इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं और किस तरीके से एप्लीकेशन आपको पैसे देती है। तो बेसिकली आप यहां से कलर प्रेडिक्शन करके पैसे अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपने ट्रेवल को अफोर्ड कर पाता हूं। तो इसका मैं पूरा डिटेल वीडियो बना रखा हूं, तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। और एप्लीकेशन का भी लिंक दे रहा हूं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट जल्दी से बना लो। तो गाइस यहां से देखो, ओ मेन रास्ता और ये है शॉर्टकट। तो यहां से हम शॉर्टकट मारने वाले हैं, यहां से देखो शॉर्टकट मारते हैं। ओके, तो देखो वहां से मेन है और ये है शॉर्टकट। तो आप मतलब थोड़ा डेंजर शॉर्टकट रहे तो अवॉइड करो, और ये हालांकि उतना डेंजर नहीं है। देखो कुछ ऐसा है शॉर्टकट, और बगल में खाई है। तो बाकी आप अपने रिस्क पे ही शॉर्टकट मारो। तो मैं चलता हूँ, शॉर्टकट मारता हूँ। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी क्या मौसम है। तो गाइज हालत बहुत खराब हो रखी है। अभी नियर अबाउट हम लोग 4.5 से 5 किलोमीटर आ गए हैं, और हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। मेरा तो फर्स्ट टाइम भी हालत ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं ट्रैक करके गया, और इस बार भी ट्रैक करके जाऊंगा। तो आस्था होनी चाहिए, आप कर लोगे। ठीक है, आओ देखो, और यहाँ पे लिखा भी है प्रकृति का आनंद ले। तो प्रकृति का आनंद लेते हुए चलो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मैंने तो देखो, मैं आपको पीछे एक झरना है उसको दिखाता हूँ, तो दिख रहा होगा आई होप। ओके, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ सब कुछ। और वहाँ पे लिखा है साफ साफ, प्रकृति का आनंद ले। ठीक है, तो प्रकृति का आनंद ले। और वो रहा केदारनाथ का पहाड़। हाय, हाउ इज दिस फीलिंग? अमेजिंग, मजा। तुझसे मिलके फिर से खिलके गाइस, अभी रामबाड़ा आने वाला है। रामबाड़ा यहाँ से 400 मीटर दूर है, जो कि दिख रहा है हम लोग को रामबाड़ा। और पीछे हैं राजीव भैया, जो कि अपना फोटो वगैरह लेने में बिजी हैं। तो देखो ये सब खच्चर वगैरह बहुत तेज फिसलते हैं आते टाइम। तो अभी हम लोग आई थिंक कितना चल चुके हैं, 7 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। और अभी जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी 9 किलोमीटर अभी आगे, अभी हम लोग को और ट्रैक करना है। हाँ, तो एक जुनून है महादेव के मंदिर तक पहुंचने का। चलिए तो पहुंच ही जाएंगे। बोलो हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव, भाई के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर इतना करो ना, सब लोग आए भाई का चैनल मतलब ब्लॉग देख के सब लोग आए एक बार दर्शन करने। तो गाइस अभी रास्ते में जाते वक्त थोड़ा सा बूंदाबांदी होने लगा था, तो हम लोग ये थर्ड क्वालिटी का रेनकोट डाल लिए हैं, रेनकोट। ओके, और चलते हैं
अभी 7.5 से 8 किलोमीटर और है मंदिर, और हालत देखो आप, ठीक है तो थोड़ा सा परेशानियाँ झेलना पड़ता है। तो गाइज अभी हम लोग रामबाड़ा क्रॉस कर चुके हैं और अभी चलते हैं, अभी आई थिंक 8 किलोमीटर ना, 8 से 8.5 किलोमीटर और है, तो हालत पूरा ख़राब हो चुका है लेकिन फिर भी चलेंगे। अभी हो रहा है 4:10 हो रहा है और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, आपको पूरा अपडेट दूंगा। और हम लोगों ने यात्रा अपना स्टार्ट किया था सुबह 10:15 हो रहा था, तो सोचो हम लोग सुबह 10 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट किए थे और कब पहुँचते हैं आपको सब कुछ बताने वाला। तो गाइज हालत एकदम ख़राब हो चुकी है और अभी मैं बैठा हूँ, तो देखो वादियाँ आप देखो और ये मुझे देखो, भाई साहब ये देखो ये छोटी लीन चोली है और यहाँ पे देखो अभी हमें और आगे जाना है, और ये मेरा देखो क्या हाल हो रखा है, पूरा एकदम भयंकर बुरा हाल हो रखा है। ओके चलते हैं, और वहाँ से लोग शॉर्टकट भी मार रहे हैं तो आपको बरसात में वो सब चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। तो गाइज अभी थोड़ा दूर और है जाना, अभी हम लोग मैक्सिमम कवर कर चुके हैं, अभी देखो खच्चर कितना पागल हो जैसा चल रहा है। जय श्री केदार दोस्तों, मजा आ रहा है। अभी 5 किलोमीटर और है केदारनाथ, पूरा हालत ख़राब हो रखा है गाइस, तो चलते हैं, मज़ा भी आ रहा है, मेरा सेकेंड टाइम है यहाँ पे, चलो चलते हैं। तो गाइज अभी हम बड़ी लीन चोली आ चुके हैं, यहाँ से केदारनाथ ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 5 से 5.5 किलोमीटर है, और वहाँ से देखो चोटियाँ दिख रही हैं केदारनाथ की, वहाँ पे हमें जाना है, तो वो वाला क्रॉस करके जाना है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, अभी तो समतल चल रहा है रोड और ऊपर थोड़ा सा चढ़ाई और वहाँ से ढलान था, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रैक, तो चलते हैं, बाकी ये खच्चर वाले बहुत परेशान करते हैं। हमें मंदिर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए थे और हमारा हालत भी इतना ख़राब था कि मैं आप सभी के लिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, और हमें जैसे ही रात में रूम मिला मैं सबसे पहले अपने बॉडी को रेस्ट देना सही समझा, फिर सुबह में मैं आप सभी के लिए अच्छे से ब्लॉग शूट किया। सो गाइस अभी सुबह सुबह के 6 बज रहा है और मैं हूँ केदारनाथ में, और वहाँ पर हम लोग स्टे किए थे और जस्ट बगल में ही मंदिर है, मैं आपको मंदिर पर ले जा कर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो बहुत ज़्यादा लाइन लगा है, तो हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, उठने का एकदम मन नहीं कर रहा था, एकदम पूरा मन नहीं कर रहा था, तो फिर भी उठना पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है देखो लाइन देखो देखो कितना लाइन लगा है यहाँ पे केदारनाथ में, और सामने ही है बाबा केदारनाथ का मंदिर, और ऊपर देखो लैंड स्लाइडो देखो वो देखो, जय श्री
केदार। दोस्तों अभी हम लोग हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर पे और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ऊपर देखो चोटी पे धूप आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी धूप का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जो ठंडी यहाँ पे पड़ रही है बहुत ही नेक्स्ट लेवल ठंडी है, बहुत ही ज्यादा ठंडी है। आई थिंक कल तो माइनस में चला गया था रात में ठंडी, और हम लोग एकदम रोते हुए अपने कमरे में गए हैं। पूरा इतना तेज बारिश हो रहा था रात में, इसलिए मैं आपको रात में कुछ भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरे जान पे मन आई थी कल। मैं कल रोते हुए आया था केदारनाथ, और यहाँ पे सुबह आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस ब्लॉग को जरूर से शेयर कर देना जो केदारनाथ आना चाहता है।